क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 9, इफ वी इज इक्वल टू अंडर रूट जी एल ओवर 2 पाई, फाइंड वी व्हेन लेंथ एल इज इक्वल टू 150, जी इज इक्वल टू 32.16 एंड पाई इज इक्वल टू 3.142। ये एक किस्म का फिजिक्स की जिस तरह न्यूमेरिकल होते हैं उस तरह का न्यूमेरिकल है, तो इसमें हमने वी फाइंड करना है। इस मैथ पे पढ़े, इसमें जिस तरह हम पीछे कर चुके हैं लॉग, वही इसमें फार्मूले अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें वी जो हमें गिवन है, वी कितना गिवन है, वी इज इक्वल टू अंडर रूट जी एल ओवर 2 पाई। एल कितना है, 150 गिवन है, जी 32.16 एंड पाई इज इक्वल टू 3.14। तो ये तमाम वैल्यूज जब पुट कर देंगे जी की जगह पे, जी की वैल्यू, जी की वैल्यू कितनी है, 32.16, एल की 150 एंड 2 और पाई क्या है 3.142 पाई की वैल्यू गिवन है। इसे पाई पढ़ते हैं, ये इधर बेशक आप मल्टीप्लाई का सिंबल डालेंगे, इस पर डॉट डेसिमल हो तो दो बार डेसिमल डालेंगे, इधर भी आप इसे मल्टीप्लाई करो। अब इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, v इज इक्वल टू 32.16 इंटू 150 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3.142 की होल एक्सपोनेंट में 1/2, होल एक्सपोनेंट में 1/2। आपके कर लेंगे इनका लॉग ले लेंगे, 1/2 स्टार्ट में लिख देंगे तो हमारा सवाल कंटिन्यू सही रहेगा। या इसके आप क्योंकि इसमें गिवन नहीं है, विद द हेल्प ऑफ इससे आगे भी नोट ना कीजिएगा, पहले मैं आपको तरीका बता दूँ। आप इसको मल्टीप्लाई करें 32.16 मल्टीप्लाई बाय 150 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3.142। इसको अगर आप सॉल्व करें, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें और फिर ऊपर वाला जो टर्म आएगी नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दें, तो ये बन जाएगा वी कितना आ जाएगा, वी आ जाएगा 767.66 एंड 3639 की एक्सपोनेंट में लिखे 1/2। अब इसका स्क्वायर रूट ले लें, शिफ्ट सॉरी स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो क्या आ जाएगा, ये 27.7 v इज इक्वल टू 27.706 आ रहा है तो 1 लिख देंगे। ये क्या आ गया, आंसर आ गया है, विल बी हम फाइंड कर चुके हैं। ये रहा आसान तरीका। अगर क्वेश्चन में गिवन हो, इसमें क्वेश्चन में बताया नहीं है कि लॉगरिथम यूज़ करें आप, अगर लॉगरिथम का गिवन हो, लेट्स सपोज क्योंकि हम लॉगरिथम का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो अगर लॉगरिथमिक से ही गिवन हो, लॉगरिथम से करें, लॉग की मदद से हल करें, तो हम इसके बाद क्या करेंगे, इस जगह पर आकर इस स्टेप के बाद करेंगे लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑफ, क्योंकि इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, उस तरह भी कर दें आपका जवाब कोई गलत नहीं करेगा, लेकिन क्योंकि हम लॉगरिथम का चैप्टर पढ़ रहे हैं और अगर बुक में पेपर में आए उस पर लिखा हो लॉग के देखे, तो इधर भी लॉग ले लेंगे। लॉग भी इज इक्वल टू लॉग 32.16 मल्टीप्लाई बाय 150, ब्रैकेट से डाल रहा हूँ, अगर नेक्स्ट स्टेप में लॉग खोलने में आसानी हो, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.142 होल एक्सपोनेंट में, इधर भी ब्रैकेट डाल दूँ, 1/2। ये 1/2 यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो लॉग वी क्या बन जाएगा, लॉग वी किसके बराबर आएगा, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। यहाँ से लॉग वी आ जाएगा, लॉग वी इक्वल आ जाएगा 1/2 लॉग से पहले आ जाएगा इस जगह पर, और बाकी ये एज इट इज आ जाएगा लॉग ऑफ 32.16 मल्टीप्लाई बाय 150 ओवर 2 इंटू 3.142। इनको बेशक आप छोटी ब्रैकेट डालकर क्लोज कर लें। अब नेक्स्ट स्टेप में हम हर किसी को लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, हर मल्टीप्लाई को जो मल्टीप्लाई हो रही है उनके साथ प्लस और लॉग सारी चीज़ें सेपरेट कर देंगे। 1/2 एक बड़ी ब्रैकेट डाल दी, इसके अंदर लॉग सारे करें, लॉग
32.16 प्लस लॉग लॉग लाजमी याद रखना 150 अच्छा माइनस अगर आगे जगह है या नहीं तो नीचे नेक्स्ट लाइन में माइनस लॉग नॉमिनेटर वाले प्लस के साथ और नीचे वाले डिनोमिनेटर वाले माइनस के साथ माइनस लॉग 2 एंड माइनस लॉग ऑफ 3.142 अब यहाँ पे 1/2 लॉग हर किसी का लेते जाएंगे और कैलकुलेटर से करते जाएंगे शायद इसको लॉग 32.16 1.5073 प्लस लॉग ऑफ 150 2.1761 माइनस लॉग टू लॉग टू के आ जाएगा 0.3010 और माइनस है इसलिए इधर लगा दूंगा माइनस 0.30102 है तो 10 में अच्छा अब नेक्स्ट लॉग ऑफ 3.142 ये बन जाएगा 0.4972 माइनस 0.4972 इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे सम में से तो ये बन जाएगा 1.5073 प्लस 2.1761 माइनस 0.3010 माइनस 4972 माइनस 0.4972 तो ये आ जाएगा 2.8852 ये आ जाएगा 1/2 2.8852 इसे जब डिवाइड करेंगे 2 से तो ये बन जाएगा 1.424426 1.4426 अभी ये किसका आया है ये आया है हमारे पास log of v क्योंकि ये सारा यहाँ पे कैसे हो रहा है log v आ गया हमने क्या फाइंड करना है v तो अब क्या करेंगे इसका टेकिंग एंटी लॉग यहाँ स्टार्ट में दोबारा से देख रहा हूँ लॉग वी ये लाइन एक बार लॉग वी इज इक्वल टू 1.4426 अगर आपने नीचे लिख सोचा तो एक बार ही आप लिखिएगा सॉल्यूशन में अगर यही से नोट करें नोट लॉग वी इज इक्वल टू 1.4426 टेकिंग एंटी लॉग एंटी लॉग लेने से क्या बनेगा लॉग इनवर्स इनटू लॉग वी इज इक्वल टू एंटी लॉग इनवर्स 1.4426 तो शिफ्ट लॉग कौन सा ये आ जाएगा 27.707 तो लॉग वी ये काट जाएगा एंटी लॉग लॉग से कैंसिल तो वी क्या आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ दिस जो कि क्या आया है 27.707 तो इसके अगर मैं डेसिमल के बाद टू डेसिमल प्लेस तक करेक्ट कर दूँ तो क्या आ जाएगा 27.715 से बड़ा है ना तो इसलिए इस जीरो को एक बढ़ा के लिख देंगे 1 जो कि क्या है वी की वैल्यू है ये बिल्कुल सेम आई है जिस तरह मैंने पहले की थी लॉग लिथम अगर लिखा हो तो आप इस तरह हल करना एंटी लॉग ले लेना अगर नहीं है तो टाइम शॉर्ट है आप उस तरह भी कर सकते हैं लेकिन वो स्टेप आप याद रखना ऊपर वालों को एक स्टेप अजाफी बना लेना ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करो फिर नीचे वालों को उसके डिनोमिनेटर को और फिर जो एंड उसका जवाब आएगा उसका फिर आप स्क्वायर रूट लें 3 स्टेप आप ज़्यादा कर दें फिर तो बी की वैल्यू आप वहाँ निकलें